हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने itetest.com इस वेबसाइट पर नया यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है इसकी जानकारी ली थी। आज हम itetest.com वेब पोर्टल पर अलग अलग टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है वो सब देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले itetest.com यह पोर्टल हम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम पर जाकर itetest.com ऐसा टाइप करना है। टाइप करते ही itetest.com इस वेब पोर्टल की होम पेज की स्क्रीन यहाँ पर दिखाई देगी। एग्जाम्स देने के लिए गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको लॉगिन विंडो दिखाई देगी। यहाँ पर स्टूडेंट अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक स्टूडेंट की डिटेल्स दे चुके हैं और लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर दिखेगा कि स्टूडेंट का अकाउंट ओपन हो चुका है और वह स्टूडेंट की डिटेल्स लॉगिन अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर दिखेगी। लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड, टेस्ट और रिजल्ट, ये तीन ऑप्शन है। आपने इस मंथ में कितनी टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट दी है उसकी संख्या यहाँ पर दिखेगी। उसी प्रकार आपने कुल कितनी टेस्ट दी है वो भी संख्या आपको दिखेगी तथा लास्ट एग्जाम में आपको कितने मार्क्स मिले थे वह भी आपको यहाँ पर दिखेगा। टेस्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए तीन प्रकार की टेस्ट उपलब्ध की गई है। उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट, सेमेस्टर वाइज टेस्ट और एनुअल टेस्ट है। उसी प्रकार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट भी अवेलेबल है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की टेस्ट भी आप यहाँ से दे सकते हैं। स्टार्ट में प्रैक्टिस के लिए हम चैप्टर वाइज टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको सेमेस्टर और चैप्टर सिलेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ पर सेमेस्टर वन और चैप्टर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यह टॉपिक सिलेक्ट किया है। उसके बाद स्टार्ट एग्जाम इस बटन को क्लिक करते ही कंप्यूटर फंडामेंटल इस टॉपिक से जुड़ी क्वेश्चन सेट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको कुल 50 प्रश्न की टेस्ट देनी है। राइट साइड में आपको टाइमर भी दिखेगा। यहाँ पे प्रश्न और उसके ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। कोई भी प्रश्न आप अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पे ट्रांसलेट यह बटन प्रोवाइड किया है। ट्रांसलेट बटन से क्लिक करके बाद में आपकी जो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होगी और उसके बाद थोड़ी देर वेट करना होगा, फिर आपका क्वेश्चन उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुका दिखाई देगा। यहाँ पर मैं क्वेश्चन का आंसर सिलेक्ट कर रही हूँ और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही जो आंसर मैंने दिया था वहाँ उसका यहाँ पे हाईलाइट कलर दिखेगा। वह आंसर करेक्ट था इसलिए उसका रेड कलर यहाँ पर दिखेगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। जो क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट है उसे ग्रीन कलर दिखेगा और जो क्वेश्चंस के आंसर्स इनकरेक्ट है उसे रेड कलर दिखेगा। इसी प्रकार हमें टेस्ट अटेम्प्ट करनी है। अगर कोई क्वेश्चंस हमें देने नहीं है तो डायरेक्टली हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं और फिर से हम प्रीवियस टेस्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इसी प्रकार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट आगे जा रही हूँ। कोई भी क्वेश्चन के आंसर मैंने दिए नहीं है लेकिन बच्चों को आपको यहाँ पर आंसर सिलेक्ट करने हैं, फिर ही आप नेक्स्ट बटन पे जाना है। ओके, तो इसी प्रकार मैंने 50 क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं। जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे हैं वह मैं नेक्स्ट बटन से क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शंस पर जा रही हूँ। यह होने के बाद आपको सबमिट टेस्ट बटन पे क्लिक करना है, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट है वहाँ पर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है और जो आंसर्स करेक्ट नहीं है उसे रेड कलर आपको दिख रहा है और जो क्वेश्चंस के आंसर्स देना आपसे छूट गया है वह ब्लू कलर में आपको सब दिख रहे हैं। तो इसलिए आपकी टेस्ट की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सबमिट टेस्ट इस बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर एक मैसेज आएगा, यू हैव सम अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। फिर भी आपको टेस्ट सबमिट करनी है क्या? इसका मतलब कि आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए नहीं है फिर भी आप टेस्ट सबमिट करनी है क्या? अगर ओके किया तो टेस्ट सबमिट हो जाएगी और कैंसिल किया तो फिर से हम रीटेस्ट दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक किया है। ओके बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। रिजल्ट में आपको कितने क्वेश्चंस थे तो कुल 50 प्रश्न थे, उसमें से आपके 2 करेक्ट आंसर है और रिजल्ट आपका फेल है यह आपको दिखाई दे रहा है।
व्यू आंसर्स इस बटन पर क्लिक करते ही हमें आपका पूरे टेस्ट की डिटेल्स दिखेंगे, जैसे कि आपका ट्रेड कोपा, डेट, टेस्ट हमने चैप्टर वाइज ली थी तो वो यहाँ पर दिखेगा, सेमिस्टर हमारा सेमिस्टर वन था, उसके बाद अपना स्टूडेंट का यूजर आईडी यहाँ पर दिखेगा और जितने क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए हैं पूरे क्वेश्चंस के रॉन्ग और करेक्ट आंसर्स हमें देंगे। जो आंसर्स करेक्ट है उसे ग्रीन कलर में करेक्ट ऐसे दिखेगा और जो आंसर्स इनकरेक्ट है उन्हें क्रॉस दिखेगा, रेड कलर से क्रॉस दिखेगा। तो इसी प्रकार स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा कि उसके कितने आंसर्स करेक्ट है और कितने आंसर्स इनकरेक्ट है। जो आंसर्स इनकरेक्ट है उन इनकरेक्ट आंसर्स के करेक्ट आंसर्स भी यहाँ पर दिखेंगे। इस प्रकार स्टूडेंट्स को समझ जाएगा कि अपने जो क्वेश्चंस चूक गए हैं उसके करेक्ट आंसर्स क्या है। तो यह स्टूडेंट को पूरी डिटेल्स ऐसे पूरे 50 प्रश्नों की यहाँ पर दिखेगी। 50 प्रश्नों में से उसके दो आंसर्स करेक्ट है और रिजल्ट उसका फेल है, यह यहाँ पर उसे दिखेगा। उसके बाद एक्सपोर्ट पीडीएफ यह बटन प्रोवाइड किया है। इस बटन की सहायता से स्टूडेंट उसने दी हुई टेस्ट की फाइल जो है उसकी पीडीएफ फाइल सेव कर सकता है। तो यहाँ पे सेव एज पीडीएफ बटन पे क्लिक करना है। ऐसा क्लिक करते ही सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी फाइल कहाँ पर सेव करनी है वो लोकेशन देना होगा। तो यहाँ से आप कोई भी ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ड्राइव आप सिलेक्ट करेंगे उस ड्राइव पर वह फाइल आईटेट टेस्ट टेस्ट समरी इस नाम से सेव हो जाएगी। आप यह नाम उसका सेव चेंज भी कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर, यहाँ पर अपनी कंप्यूटर फंडामेंटल की टेस्ट है तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल ऐसे दिया है और ऐसा देने के बाद सेव बटन पे क्लिक करने के बाद मेरी फाइल वहां पर सेव हो जाएगी। उसी फाइल की प्रिंट अगर डायरेक्टली निकालनी होगी, अगर सेव नहीं करना है मुझे सिर्फ प्रिंट निकालनी है, तो एक्सपोर्ट पीडीएफ पर जाकर यहाँ पर हमें प्रिंटर सिलेक्ट करना है। प्रिंटर सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट हमें कैसे निकालनी है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, वह ऑप्शन देकर हम प्रिंट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस की भी संख्या हम यहाँ से दे सकते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट ने जो टेस्ट दी है वह टेस्ट वह सेव भी कर सकता है और वह टेस्ट की वह प्रिंट भी निकाल सकता है। क्लोज बटन से यह रिजल्ट की फाइल क्लोज हो जाएगी। इसी प्रकार टेस्ट इस टैब पर जाकर स्टूडेंट प्रैक्टिस टेस्ट में से चैप्टर वाइज टेस्ट, सेमेस्टर वाइज टेस्ट दे सकता है। यहाँ पर और एक ऑप्शन है एनुअल टेस्ट। इसमें क्या है, तो एनुअल टेस्ट और चैप्टर वाइज ये बाकी के टेस्ट में डिफरेंस यह है कि जब आप एनुअल टेस्ट देंगे तो वहाँ पर एग्जाम स्टार्ट करने के बाद जो आंसर्स इनकरेक्ट है उनके कलर्स आपको रेड दिखेंगे नहीं, सिर्फ आपको जो अटेम्प्ट किए हुए हैं उस क्वेश्चंस को ब्लू कलर दिखेगा, लाइट ब्लू कलर दिखेगा। और अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए, जस्ट हमने नेक्स्ट बटन पे अगर क्लिक किया तो यहाँ पे डार्क ब्लू कलर आपको दिखेगा। यह इसका मतलब यह है कि पहले प्रैक्टिस की टेस्ट में जो चैप्टर वाइज और सेमेस्टर वाइज टेस्ट जो है वह प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं और एनुअल टेस्ट जो है वो डायरेक्टली आपकी फाइनल एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पर आपको रेड कलर या ग्रीन कलर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब आपके कौन से आंसर्स करेक्ट है और कौन से आंसर्स इनकरेक्ट है यह आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं। उसी प्रकार बाकी के क्वेश्चंस के आंसर्स हम दे सकते हैं और अगर छूट गए तो डार्क ब्लू कलर दिखेगा और अटेम्प्ट किए तो वहां पे लाइट ब्लू कलर आपको दिखेगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं जिसकी भी प्रैक्टिस स्टूडेंट को करनी है। एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट में सारे एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। रिजल्ट टैब पर जाकर इसी प्रकार स्टूडेंट ने दी हुई सारी टेस्ट की डिटेल्स यहाँ पर दिखेगी, जिसमें टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, कितने क्वेश्चंस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से कितने करेक्ट आंसर्स हैं और स्टूडेंट का रिजल्ट फेल है या पास है वो यहाँ पर दिखेगा। कोई भी टेस्ट की समरी बटन पर जाकर स्टूडेंट देख सकता है और स्टूडेंट कभी भी कोई भी फाइल सेव कर सकता है या कोई भी फाइल की वो प्रिंट निकाल सकता है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन टेस्ट की संख्या 10 से ज्यादा हो गई तो नेक्स्ट बटन पर जाकर वह अगली टेस्ट
की डिटेल्स दे सकता है। इसी प्रकार itiatest.com यह पोर्टल बच्चों के लिए आईटीआई के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टल है, जहां से स्टूडेंट्स अपने टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस छुड़ा सकते हैं या एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट से संबंधित सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। स्टूडेंट की टेस्ट अटेम्प्ट होने के बाद यहाँ पर लॉग आउट बटन क्लिक करना है। लॉग आउट से आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपको लॉग आउट करना है क्या, तो आपको लॉग आउट बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही स्टूडेंट उसके अकाउंट से बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार itiatest.com यह पोर्टल अत्यंत उपयोगी है। आईटीआई के छात्र एक बार लॉगिन अकाउंट क्रिएट कर कितने नंबर ऑफ टाइम्स अपनी अलग अलग टेस्ट दे सकता है और उसके आईटीआई एग्जाम के संबंधित सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकता है। इसका फायदा उसे फाइनल एग्जाम में जरूर होगा। आईटीआई टेस्ट के वेब पोर्टल पर आईटीआई के छात्रों के लिए ट्यूटोरियल्स और वीडियो ट्यूटोरियल्स उपलब्ध किए गए हैं। वे सब कैसे देखना है और डाउनलोड टैब की पूरी जानकारी हम इसके आगे वीडियो में देखेंगे। उसी प्रकार कस्टम एग्जाम्स इंस्ट्रक्टर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वे भी अगले वीडियो में हम देखेंगे। मुझे आशा है itiatest.com इस वेब पोर्टल पर अलग अलग टेस्ट कैसी देनी है इसकी सारी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होंगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज काइंडली विजिट द पोर्टल। थैंक यू वेरी मच।